हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज एस के दास और आप देख रहे हैं दिवनिक एम्प्लॉई। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फूड डिलीवरी वर्सेस ग्रोसरी डिलीवरी। सो सबसे पहले हम देख लेंगे डेफिनेशन क्या है, क्या फूड डिलीवरी कैसे है, कैसे की जाती है, और जो ग्रोसरी डिलीवरी होते हैं वो कैसे की जाती है। तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है फूड डिलीवरी लेके मतलब ग्रोसरी डिलीवरीज का, वो सारे इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि फूड डिलीवरी क्या होता है। अब फूड डिलीवरी कैसे की जाती है, जो फूड डिलीवरी होता है, फूड डिलीवरी कंपनी बहुत कंपनी से लाइक जो फूड डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें से वो जो ज़्यादातर हम लोग जानते हैं वो है स्विगी या फिर जोमेटो। अब यहाँ पे स्विगी जोमेटो की तरह और भी बहुत सारे कंपनी है जो फूड डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो रेस्टोरेंट होता है उनका ओन फूड डिलीवरी होता है, जो कुछ कोई चार पांच लड़के लोग रख लेते हैं और खुद ही कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और खुद ही वो लड़कों से डिलीवरी करवाते हैं। अब स्विगी या फिर जोमेटो में क्या होता है कि लाइक कस्टमर जो भी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्विगी राइडर या फिर जोमेटो राइडर जो है वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ से जाके ऑर्डर पिक करके कस्टमर तक डिलीवरी करना पड़ता है। तो वो ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है फूड डिलीवरी का। अब जो रेस्टोरेंट वाले डिलीवरी होता है, सेम वही होता है, कस्टमर रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करेंगे और डिलीवरी बॉय को भेज देंगे खाना लेके, तो वो उसको डिलीवर कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि ग्रोसरी डिलीवरीज क्या होता है। अब ग्रोसरी डिलीवरीज कैसे किया जाता है, जो ग्रोसरी डिलीवरीज होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाता है। अब ग्रोसरी डिलीवरीज में लाइक आपका जो भी आप लोग जानते हैं, मसाला वगैरह हो गया, घर का सामान हो गया, आटा वगैरह हो गया, चावल हो गया, उसमें ग्रोसरीज में क्या ऐड कर लेते हैं, उसमें फ्रूट वेजिटेबल वगैरह भी हुआ, वो सारी चीज़ें जो है वो ग्रोसरीज में आते हैं। अब जो फूड डिलीवरी होता है उसमें से थोड़ा अलग होता है, ग्रोसरी डिलीवरीज थोड़ा ही अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता है। अब ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो खुद का जो ग्रोसरीज होता है वो अपनी कंपनी के जितने भी डिलीवरी बॉय से उनमें से वही लोगों से डिलीवरी करवाते हैं। ग्रोसरी डिलीवरी करवाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कंपनी से कस्टमर क्या करता है, डायरेक्टली कंपनी में ऑर्डर करते हैं, वही ऑर्डर डिलीवरी बॉय को पिकअप करके जो कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है। तो यही अंतर होता है फूड डिलीवरी और जो ग्रोसरी डिलीवरीज में। अब फूड डिलीवरी में क्या होता है, जो भी आप स्विगी या फिर जोमेटो में क्या होता है, एक एक ऑर्डर आपको लेके जाना पड़ता है, एक एक ऑर्डर आपको डिलीवर करना पड़ता है। एक डिलीवरी कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा आपको असाइन करवाते हैं, वही दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा करके एक एक डिलीवरी आप रेस्टोरेंट से पिकअप करेंगे, एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो कभी कभार दो ऑर्डर आप रेस्टोरेंट से पिकअप करते हैं, वो जाके कस्टमर को देते हैं, फिर वापस आप लोकेशन पर आते हैं, फिर आपको तो कुछ ऑर्डर जो असाइन कराते हैं, फिर वही जाके आपको डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन ग्रोसरीज में थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे ग्रोसरीज में क्या आता है कि ऐसे बहुत सारे कंपनी जो होता है ना, बहुत सारे एरिया या फिर किसी बड़े अपार्टमेंट का बहुत सारे कस्टमर्स का ऑर्डर ले लेते हैं और क्या करते हैं, एक ही डिलीवरी बॉयज को किसी स्पेसिफिक एरिया में भेज देते हैं 8-10 ऑर्डर लेके। अब वहाँ पे क्या राइडर को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, वहाँ पे जो टाइम का जो है वो बचत ज़्यादा होता है। अब जो ग्रोसरी डिलीवरीज होता है उसमें 8 या 10 ऑर्डर लेके आप चले गए किसी एक स्पेसिफिक एरिया या फिर किसी एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे जाके 8-10 ऑर्डर आप कंप्लीट करेंगे, उससे आप उतना डिलीवर करते करते वो लोग और भी ऑर्डर जो है वो रेडी करके रख लेते हैं। तो वही ऑर्डर जो कंप्लीट करके आपको वापस स्टोर पे आना पड़ता है, वहाँ पे आके फिर से आपको सारी चीज़ें लोड करके फिर से आपको डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो ग्रोसरी डिलीवरीज का सिस्टम जो होता है कुछ इस तरह का होता है। अब उसके साथ बात कर लेते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, आप किस में ज़्यादा कमा सकते हैं। अब देखिए, फूड डिलीवरी में जो भी मैंने आपको बताया कैसे सिस्टम है, कैसे डिलीवरी की जाती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग देख लेते हैं, जो ग्रोसरीज होता है उसमें थोड़ा अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। हालांकि मैंने जो भी बताया आपको, क्योंकि जो ग्रोसरी डिलीवरी होता है उसमें आपको ज़्यादा जो डिलीवरी करने का चांस रहता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का बचत होता है। अब फूड डिलीवरी में एक ऑर्डर लेके जाएंगे, फिर एक ऑर्डर डिलीवर करने में अगर कस्टमर अनरीचेबल रहेंगे तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ से फिर वापस आप जोन पे आएंगे तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर कभी कभार हो सकता है आपको जल्दी ऑर्डर लग जाए, लेकिन कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। आप फूड डिलीवरी के कंपेयर करेंगे अगर ग्रोसरी डिलीवरी के साथ,
तो अर्निंग पोटेंशियल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रोसरीज में रहता है। चलिए अब पेमेंट की बात करते हैं। आप पेमेंट क्या आता है, फूड डिलीवरी में कैसे पेमेंट की जाती है, ग्रोसरी डिलीवरीज में कैसे पेमेंट किया जाता है। अब देखिए फूड डिलीवरी जो कंपनी का होता है और उसमें क्या होता है, वही आपका स्विगी या फिर जोमेटो क्या कहते हैं, वीकली पेमेंट करते हैं। वीकली जो भी आप अर्निंग करेंगे वही आपका डिडक्शन वगैरह सभी करके हिसाब करके आपको मंगलवार या फिर बुधवार को आपका पेमेंट हो जाता है। अगर हम फूड डिलीवरी किसी रेस्टोरेंट का की बात करेंगे क्या, और किसी रेस्टोरेंट के अंडर अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट में आपको जो है पेमेंट जो होता है वो मंथली सैलरी के बेसिस पे आता है, यानी आपको मंथली पे किया जाता है। अब ग्रोसरी की डिलीवरी की बात करेंगे तो सेम वैसा ही है, बहुत सारे ऐसे ग्रोसरीज कंपनियाँ हैं जो डिलीवरी करवाते हैं वो वीकली पेमेंट करवा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं रिस्क किस में ज़्यादा है। अब किस में ज़्यादा रिस्क है, ग्रोसरी में ज़्यादा रिस्क है या फिर फूड डिलीवरी में ज़्यादा रिस्क है। और फूड डिलीवरी में क्या होता है, देखिए फूड डिलीवरी में क्या होता है कि जो भी ऑर्डर आपको असाइन किए जाते हैं, जो भी ऑर्डर आप रेस्टोरेंट से पिक करते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है, थोड़ा हड़बड़ी में आपको डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि फूड है अगर आप लेट करेंगे तो खाना ठंडा होने का चांसेस रहता है। अगर खाना ठंडा हो जाता है तो वो ऑर्डर जो होता है वो कभी कभार कैंसिल होने का भी चांस रहता है। अब यहाँ पे चाहे वो आप जानबूझ के लेट करें या फिर किसी अनजाने में आपसे लेट हो या फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो, और जो अगर खाना ठंडा हो जाता है तो कभी कभार कस्टमर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल किया जाता है। अब जो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करेंगे वो अगर आपसे मतलब आपके अगर जो भी आपके वजह से अगर जो ऑर्डर जो कैंसिल होता है उसकी वजह से आपको हो सकता है कंपनी पेनल्टी भी लगा सकता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभार आपको पेनल्टी लगने का भी चांस रहता है। अब ग्रोसरी में क्या होता है, अब ग्रोसरी में क्या होता है कि जब भी आप ऑर्डर लेके जाते हो कभी कभार आपको अगर ऑर्डर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो उसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। कभी थोड़ा लेट हो जाए तो भी ग्रोसरी जो है वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा ग्रोसरी में क्या होता है, बहुत कम ही ऐसा ऑर्डर होता है जो कैंसिल होता है, लेकिन फूड में अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैंसिल होने का चांस रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि फूड डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और ग्रोसरी डिलीवरीज में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अब फूड डिलीवरी में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है पहले, जो भी कैंसिल वगैरह का जो झंझट होता है वो ज़्यादा रहता है। अब ग्रोसरी डिलीवरीज में थोड़ा सा अलग चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। अब यहाँ पे ग्रोसरी डिलीवरीज में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हैं उसका वजन जो होता है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है। फूड डिलीवरी में उतना वजन नहीं होता है, लाइक एक दो फूड आप दो बिरयानी चार बिरयानी जो भी चार पांच आइटम अगर आप लेके जाते हो कि उतना जो होता है ना वो उतना हैवी नहीं होता है, थोड़ा लाइट होता है, तो उसमें डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जो ग्रोसरी डिलीवरी होता है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा तकलीफ ज़रूर होता है। अब ग्रोसरी में कैसा तकलीफ होता है, अब देखिए क्या है, वहाँ पे क्या होता है कि ग्रोसरी में आपको बहुत सारे आइटम जो होता है कस्टमर ऑर्डर कर लेते हैं, तो कभी कभार पूरा बैग भर के भी आपको लेके जाना पड़ सकता है। और मान लीजिए अगर आप किसी बड़े सोसाइटी में चले गए तो वो तो आपको अंदर जाने ही नहीं देगा गाड़ी लेके, तो आपको वही जो होता है ना वो सारे, मान लो किसी ने आटा मंगवा लिया, किसी ने चावल मंगवा लिया, किसी ने दूध मंगवा लिया, तो वही सारे ऑर्डर पूरा बैग जो है वो आपको कंधे पे उठा के या फिर उसको पूरा लेके अपार्टमेंट मतलब फ्लैट तक जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो यही ये जो तकलीफ होता है आपको ग्रोसरीज में क्या होता है, थोड़ा हैवी वजन वाला जो सामान होता है वो डिलीवर करने का ज़रूरत होता है। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें वो फूड डिलीवरी के साथ लगभग लगभग मिलता जुलता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा अर्निंग और इंसेंटिव के बारे में। अब इंसेंटिव जो होता है वो स्विगी या फिर जोमेटो में अगर आप फूड डिलीवरी करेंगे उसमें आपको इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद जो ग्रोसरी होता है उसमें भी आपको इंसेंटिव मिल जाता है, लेकिन हालांकि क्या होता है कि स्विगी जोमेटो या फिर ग्रोसरी डिलीवरीज करवाने वाले जो भी कंपनी होता है उनका सभी का अलग अलग सिस्टम रहता है। स्विगी में क्या होता है, कोई स्विगी में डेली इंसेंटिव भी देते हैं, वीकली इंसेंटिव भी देते हैं, सेम उसी तरह जोमेटो भी करते हैं, और ग्रोसरीज में भी ऐसा भी होता है, डेली का कुछ टारगेट रहता है और वीकली का भी कुछ टारगेट रहता है। तो दोनों टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं। अब एक्स्ट्रा अर्निंग की बात करेंगे तो फूड डिलीवरी में क्या होता है, जो भी आपका जो कस्टमर से टिप्स वगैरह मिल जाता है वही आपका ज़्यादातर जो होता है वो एक्स्ट्रा अर्निंग होता है। सो गाइस फूड डिलीवरी क्या है, कैसे की जाती है, ग्रोसरी डिलीवरीज क्या है, कैसे की जाती है, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ
शेयर कर लिया। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको कुछ कुछ पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।